इजी नॉलेज विद वकार में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी मोटर इस जगह से पानी निकालना शुरू कर दे तो ये मोटर में ग्रैंड ओरी का मसला आता है। जैसा कि मोटर यहाँ से देखे पानी निकाल रही है तो ये ग्रैंड ओरी ख़राब होने की वजह से पानी निकल रहा है, बहुत ज़्यादा पानी निकाल रही है। ग्रैंड ओरी के मसले को हल करने के लिए इसकी राड को हम खोलेंगे। सबसे पहले ये कब खुलेगा, 13 नंबर की गोटी इस्तेमाल कर रहे हैं कब खोलने के लिए। ये वाला राड है जिसको हम खोलने जा रहे हैं, ये यहाँ से खुलेगा। अब इसको खोलने के लिए 14 नंबर की गोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये राड खुल जाता है तो ये व्हील लूज़ हो जाता है। अब पिचकस से हल्की सी ठोकर दे रहे हैं। ये देखें व्हील बिल्कुल लूज घूम रहा है। अब पुली मुकम्मल आज़ाद है, ये राड बाहर आ गया। इसी के ऊपर लेदर कप भी लगे होते, इस मोटर के लेदर कप ठीक है। ये वाली ग्लैंड हो रही है जिसको हम डालेंगे। अच्छा, ये वाला नट है जिसको खोला जाएगा और इसके नीचे से जो ख़राब ग्लैंड हो रही है उसको निकालेंगे। ये चाबी की मदद से इस नट को खोल लें। सबसे पहले इसके नीचे जो ग्लैंड हो रही है जो ख़राब हो चुकी है जिसकी वजह से पानी निकल रहा है उसको रिमूव करेंगे। कितनी ख़राब हुई हुई है, इसका तो हाल बहुत ही बुरा है। ये नट है जिसके पीछे ग्लैंड ओरी को रखते हैं। ग्लैंड ओरी को रखने से पहले हम दोबारा से इस राड को टाइट करेंगे। राड को हमने इसलिए खोला था ताकि आसानी से डोरी को हम निकाल सकें। ये जैसे ही राड इसमें टाइट होना शुरू हो जाता है तो व्हील को घुमाने से राड की मूवमेंट भी इसके साथ साथ चलती है, जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि राड चूड़ी ने पकड़ ली है। ये ग्लैंड ओरी हम रखने जा रहे हैं। दोस्तों ये ग्रिप ग्लास है, इसकी मदद से किसी भी चीज़ को बड़ी मजबूती से पकड़ लेते हैं, चाहे वो गोल हो चौरस हो। इस ग्लास का अपना ही फायदा है। ये देखें जैसे इसने यहाँ पे इसको ग्रिप कर लिया, ग्लैंड रखने के बाद इसको टाइट कर देंगे। ये लीजिए नट मुकम्मल तौर पे टाइट हो गया। आप देखें ये मोटर जो पानी फेंक रही थी वो मसला हल हो गया। तो दोस्तों जब भी कभी आपको ये मसला फेस हो डंकी पंप के अंदर तो आपने ग्लैंड ओरी को डाल लेने।
आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।